बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम प्रश्नावली एक जो है वास्तविक संख्याएं, उनका जो राजस्थान बोर्ड के जो पेपर आते हैं हर वर्ष, उस पर हम अध्ययन करेंगे कि पिछले जो 10 वर्ष हैं उन 10 वर्षों में कौन कौन से प्रश्न प्रश्नावली एक से आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिछले इसी वर्ष मतलब 2023 में जो प्रश्न आए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री के, 2022 के, 2021 के, इस तरीके से हम एक एक करके सभी वर्षों में आए हुए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। समय के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है, तो 196 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 196 के, ठीक है, देखिए 2 से करेंगे तो 98, फिर 2 से करेंगे तो 49, फिर 7 से 7, फिर 7, फिर 1, ये हो गया 2 की घात 2 और 7 की घात 2। प्रश्न पूछा गया है घातों का योगफल, तो आपका 2 + 2 कितना आ गया, 4। आपका आंसर क्या आ गया, 4। ठीक है, अगला प्रश्न है 95 और 152 का HCF ज्ञात करना है। देखो आपको ज्ञात करना है 95 का और आपको ज्ञात करना है 152 का HCF। तो सबसे पहले हम इनके करेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड करने पर आपको कुछ इस तरीके से प्राप्त हो जाएंगे 72, फिर आपका हो गया 38, फिर आपका हो गया 9। ठीक है, अब इसमें देखिए HCF क्या होता है, HCF होता है जो कॉमन होता है, तो कॉमन इसमें है 19 और इसमें भी है 19, बाकी ये 5 है इसमें 2 है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 19। ठीक है, प्रमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार लिखिए। देखो 13/125, इसमें 125 के कर लेते हैं गुणनखंड, गुणनखंड करने पर हमको प्राप्त हो जाएंगे 5 की घात 3। ठीक है, दशमलव प्रसार करना है बिना भाग दिए, तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 3 है तो हम 2 की घात 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की घात 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 13 × 2 × 2 × 2 और ये हो जाएगा 5 × 10 की घात 3। ऊपर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 104 और ये हो गया 1000। भाग दे देंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0.104, ये हो गया। अगला है दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है। ठीक है, और इनका महत्तम समापवर्तक है 18 है, और इनको हमको ज्ञात करना है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है बच्चों, ये जो प्रश्न है ये आया है वर्ष, ये सप्लीमेंट्री का प्रश्न है, तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं LCM गुणा HCF बराबर होता है A × B, मतलब संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, आपको LCM नहीं पता है, लेकिन आपको HCF दिया हुआ है 18 और A × B आपको कितना दिया हुआ है, 12,960। ठीक है, हमको दिया हुआ है 12,960, हमको क्या ज्ञात करना है LCM, 12,960 में हम भाग दे देंगे 18 का। ठीक है, जो भी कट रहा है उन संख्याओं को काट लेते हैं, जैसे कि इसको हम 2 से काटेंगे, 2 से ये 6, 2 से ये 4 और 2 से ये 8, 0 बटे 2 से ये कट गया 9 बार। अब इसको 14, 10, 8, 18 3 से काट सकते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18। ठीक है, ये हो गया 3 से, फिर वापस 3 से इनको काट सकते हैं, 3 × 7 = 21 और 3 × 2 = 6 = 720, तो आपको LCM प्राप्त हो जाएगा 720। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सभी प्रश्नावली एक के प्रश्न हैं। ठीक है, प्रमेय संख्या 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती बिना विभाजन प्रक्रिया का उपयोग करके ज्ञात करना है, यह भी सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। 7/80 बिना विभाजन प्रक्रिया के ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 80 के गुणनखंड कर लेते हैं, रफ में कर लेना, 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। ठीक है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 5, 10, 10 × 20, 20 × 40, 40 × 80। ठीक है बच्चों, ये आपको दिख रहा है क्योंकि इसमें 2 और 5 के ही गुणनखंड हैं, तो सीधी सीधी बात है कि ये कैसा है, शांत है। ठीक, अगर हम इनके दशमलव प्रसार करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, ये तो है 2 की घात 4 और ये है 5। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, 5 की घात 3 ऊपर गुणा और 5 की घात 3 का नीचे गुणा, जैसे ही गुणा करेंगे तो ये 5 की घात 4 हो जाएगी, 5 × 5 × 5 बटे 2 की घात 4 और 5 की घात 4। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो इन दोनों का 7, 5, 5 का मल्टीप्लाई करने पर आपको आ गया 875 और ये आ गया 10 की घात 4। ठीक है, ये 875 बटे हो गया 1, 2, 3, 4 दशमलव प्रसार करेंगे
0875 और यहाँ लग जाएगा 10 मिनट, ठीक है। बिना विभाजन के ये हमने निकाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्याओं 44 और 99 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा गया है 44, 99 और ये आपको आया है प्रश्न 2013 में, ठीक है बच्चों। ये 2013 में प्रश्न आया है बोर्ड में। इसमें आप क्या करेंगे, 44 के गुणनखंड कर लेंगे 2 से, ये हो गए 22, वापस 2 से करेंगे तो 11, 11 से करेंगे तो 1, ठीक है। इसी प्रकार 99 से कर लेंगे तो 3 से, 33 वापस 3 से करेंगे 11, 11 से तो 1। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है आपको दिखाई दे रहा है 11, केवल 11 कॉमन है तो SCF आपका हो जाएगा 11। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आया है 2013 में। अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90, 144 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। ये जो प्रश्न आया है ये आया है प्रश्न 2020 में। 2020 में ये 3 नंबर का प्रश्न आया था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैं आपको बता है कि 90 और 144 में, देखो इसको करने की तरीका क्या होता है, फर्स्ट स्टेप से करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, चूंकि 144 है ग्रेटर देन 90, ठीक है बच्चों, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यूक्लिड प्रमेय का उपयोग, यूक्लिड प्रमेय का उपयोग, उपयोग कैसे करेंगे, देखिएगा। आप कहीं एक जगह इनके भाग दे लेना, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं 144 में 90 का भाग देना है तो ये एक बार जाएगा 90, आपके बचेंगे 54, ठीक है। फिर 54 का भाग दे देना 90 में, ये भी एक बार जाएगा, आपके बचेंगे 36, ठीक है। फिर 36 का भाग देना 54 में एक बार, आपके बचेंगे 18। फिर 18 का भाग दे देना 36 में तो 18 दूनी 36, अब नहीं बचेगा कुछ भी, ठीक है। जब कुछ भी नहीं बचता है वहाँ हमारा एंड हो गया है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। मेन जो कॉपी में आपको करना है वहाँ यूक्लिड प्रमेय का उपयोग करेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, 144 बराबर हम लिख देंगे 90 गुणा 1। पहले भाग को हम देख रहे हैं, ये जो पहला हिस्सा भाग दिया था ना उसको देख रहे हैं, 90 गुणा 1 प्लस भाग शेषफल क्या था 54, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये हो गया यूक्लिड प्रमेय का। अब हम लिख लेते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या है, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, ठीक है बच्चों, शून्य नहीं है, साथ ही क्या है, तथा 144 बड़ा है 54 से, यहाँ 90 लिखना है क्योंकि 90 ही तो बड़ा है, 144 वाला तो हो ही गया स्टेप, तथा 90 ग्रेटर देन 54, ठीक है। वापस हम लिखेंगे प्रमेय का उपयोग करने पर, प्रमेय का उपयोग कर लिया, कैसे उपयोग किया है, 90 बराबर क्या आ गया, अब दूसरे भाग को देख लें, इस वाले हिस्से को, 90 बराबर क्या हो गया है, 54 का भाग दिया था, एक बार गया था और आपको जो शेषफल मिला था वो मिला था 36, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, थर्ड स्टेप, देखिए थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, ठीक है बच्चों, शेषफल अभी भी शून्य नहीं आया है, साथ ही साथ आपको पता है थर्ड स्टेप में क्या हो गया है कि 54 ग्रेटर देन है 36 के। वापस हम प्रमेय का लिखेंगे, प्रमेय का उपयोग करने पर, ठीक है, कैसे उपयोग करेंगे, 54 बराबर आ गया था 36 गुणा 1 और शेषफल हमको प्राप्त हो गया था 18, ठीक है। अभी भी शेषफल शून्य नहीं है तो हम अगले स्टेप को यूज में लेंगे, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, ठीक है, शून्य नहीं है, तथा ये जो 36 आया है ये ग्रेटर देन है 18 का, ठीक है। तो प्रमेय का उपयोग करने पर, ये जो पहली बार हमने भाग दिया था ना उसी से काम चल रहा है, कैसे होगा, 36 बराबर आ गया था 18, भाग गया था 2 बार, शेषफल आ गया था 0, ठीक है, 36 बराबर आ गया था 18 गुणा 2 प्लस 0। अब इससे आगे क्या लिखेंगे, देखो इसी पेज पर लिख देती हूँ मैं, चूंकि शेषफल शून्य है, ठीक है, शेषफल तो हमारा शून्य आ ही गया है, बिल्कुल आ गया है, तथा भाजक कितना है, कितने का भाग दिया था 18 है, 18 का भाग दिया था, इसलिए जो भाजक होता है वही आपका आंसर होता है। तो 90 तथा 144 का HCF बराबर हो गया 18, ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आई। देखिएगा हमने क्या क्या किया था, यहाँ से शुरू करते हैं, हाँ सॉरी ये वाला सवाल नहीं था, ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमको करना था, तो 44, 90 में हमने पहले ही भाग दिया, ये पहले स्टेप का था, चरण एक था, ये दूसरा चरण, देखो ये वाला चरण है पहला, ठीक है, ये चरण है दूसरा, ये चरण है तीसरा,
और ये जो है ये है चौथा चरण। चार चरण हो गए जब जीरो आ गया वहां पर। पहले चरण में हमने क्या कर दिया, 90 गुणा 1 एक बार था, प्लस कितना शेषफल बचा था 54 बराबर आ गया 144। दूसरे चरण में हमने क्या किया, 90 बराबर 54 गुणा 1 प्लस 36। तीसरे चरण में 54 बराबर 36 गुणा 1 प्लस 18। चौथे चरण में 36 बराबर 18 गुणा 2 प्लस 0। ठीक है, जब 0 आ गया है तो ये जो लास्ट वाला भाग दिया था वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं ए और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 और महत्तम समापवर्तक 2 है। ठीक है बच्चों, ए और 18 का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक दिए हुए हैं, तो आपको संख्या ए ज्ञात करनी है। ये प्रश्न तो मैं भूल गई हूँ किस वर्ष आया था, लेकिन ये बोर्ड परीक्षा का प्रश्न जरूर है, ये कन्फर्म है। एक सेकंड में देखती हूँ, नहीं पता चल रहा है, पर ये प्रश्न है। तो आप जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, LCM गुणा HCF बराबर होता है दो संख्याएं ए, दो संख्याओं ए और 18 हैं। ठीक है, ए इंटू बी होता है। ठीक है, अब आपको क्या पता है, आपको पता है लघुत्तम समापवर्तक कितना है 36, महत्तम कितना है 2। एक संख्या है ए और एक संख्या है 18, ए का मान ज्ञात करना है, 18 इधर आ जाएगा, 2/18 बराबर ए, 18 से इसको काट देंगे दो बार, तो ए बराबर आ गया 4। ठीक है बच्चों, ए बराबर कितना आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न आया है 2019 में, 2019 के बोर्ड के पेपर में यह प्रश्न आपको आ गया था। तो देखिए, इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये समझने वाली बात है। ये प्रश्न आया था 2019 में, ठीक है बच्चों, और 2019 में ये प्रश्न आया था, तो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ये जो प्रश्न है इसको हल करने के लिए हम विरोधाभास विधि का उपयोग करते हैं। तो हम इसको मान लेंगे कि अपरिमेय संख्या, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चूंकि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको चूंकि या इसलिए लगाइए, इसलिए 2 पूर्णांक ए तथा बी ऐसे प्राप्त किए जा सकते हैं, सह अभाज्य हैं ये ए तथा बी, सह अभाज्य लिख लेना, सह अभाज्य प्राप्त किए जा सकते हैं कि, क्योंकि एक परिमेय संख्या है 7/5, तो इसको हम ए बटे बी के रूप में लिख पाएंगे, सीधी सी बात है, लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ मैं, ये है 7/5 बराबर हो गया ए बटे बी। ठीक है बच्चों, ये जो अपरिमेय संख्या है इसको एक तरफ रख लेना, बाकी सभी संख्याओं को एक तरफ रख लेना, तो यहाँ रहेगी 5, यहाँ रहेगी ए बटे 7b। अब देखो ए बी तथा 7 कैसी हैं, पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक हैं। ठीक है, इसलिए ए बटे 7b एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अब इधर से आप ध्यान से देखना, इधर आप इस पे टिक लगा के लिख देना अपरिमेय, और इधर आप देख लो ये कैसी है, परिमेय। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। अब ये परिमेय, ये अपरिमेय, तो गणित में कभी ऐसा संभव ही नहीं है कि परिमेय के बराबर अपरिमेय हो जाए, तो क्या लिखेंगे हम, ए बटे 7 भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, संख्या होगी। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई क्या, कि 5 हकीकत में अपरिमेय संख्या, इधर की संख्या परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये परिमेय है तो ये भी कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, तो हम क्या लिखेंगे, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ठीक, इसके बाद हम लिख लेंगे, इसलिए हमारी कल्पना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है गलत है, गलत है। ठीक है बच्चों, इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये कैसी संख्या हो गई, ये एक अपरिमेय संख्या हो गई, बात समझ में आ गई, ये हमने सिद्ध कर लिया है। इसमें जो मुख्य पॉइंट है वो क्या होता है बच्चों, ये आप देखिएगा, हमको क्या करना है, ये जो एक संख्या है इसको परिमेय मान लेना है, फिर ए बटे बी के रूप में लिख देना है। जैसे ही हम ए बटे बी के रूप में लिखेंगे, तो एक तरफ अपरिमेय संख्या को रख देंगे, देखो ये मैंने मानी है,
और एक तरफ परमेय संख्या को। तो गणित में ये कभी हो ही नहीं सकता कि परमेय और अपरमेय आपस में बराबर हों, तो ये यहाँ से विरोधाभास हो जाता है। आप इसी तरीके से लिख के आए। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 68 तथा 119 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न आया है ये आया है 2019 में, ठीक है बच्चों। ये प्रश्न जो आया है वो आया है 2019 में। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 68 के गुणनखंड करेंगे 2 से, 34 2 से करेंगे तो ये 17, और 17 से करेंगे 1, ठीक है। फिर 119 के कर देंगे 119 ये 7 से, 17 फिर 17 से 1, ठीक है। जो कॉमन होता है वही HCF होता है, तो कॉमन क्या है हमारे पास 17, हमारा HCF कितना हो गया 17। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल है 525, ठीक है बच्चों। दो संख्याओं का गुणनफल है 525 और इनका महत्तम समापवर्तक है 5, साथ ही इनका आपको ज्ञात करना है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है बच्चों। ये प्रश्न किस वर्ष आया है, एक मिनट, नहीं पता चल रहा, पर ये प्रश्न बोर्ड का ही है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो हम जानते हैं HCF गुणा LCM बराबर होता है A इंटू B, ठीक। महत्तम हमको दिया हुआ है 5, LCM हमको नहीं पता, गुणनफल दिया हुआ है A इंटू B दिया हुआ है 525, LCM बराबर हो गया 525 बटे 5, ठीक है। भाग दे दें 505, LCM आपका आ जाएगा 105, ठीक है बच्चों। ये हो गया प्रश्न। ये प्रश्न आया है 2018 में, कब आया है ये प्रश्न, 2018 में। नेक्स्ट प्रश्न है, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल लिखिए। ये भी आया है 2018 में, ठीक है। तो 196 के सबसे पहले तो हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमारे हो जाएंगे 2 से 98, फिर 2 से 49, फिर ये 7, सॉरी 2 से नहीं 7 से, फिर ये 7 से 1, ये आ गए 2 की घात 2 और 7 की घात 2। हमें ज्ञात करने हैं घातों के योग। तो घात कितनी है, घात है 2 प्लस 2, कितनी हो गए 4। देखो इसकी घात है 2 और इसकी घात है 2, दोनों की घात 2, 2 जोड़ दिए तो हो गए 4। अभाज्य गुणनखंड विधि से 144 और 192 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न आया है ये आया है 2018 की सप्लीमेंट्री में, ठीक है बच्चों। ये आया है सप्लीमेंट्री का प्रश्न है, क्योंकि इनके HCF और LCM दोनों ज्ञात करने हैं, तो हम पहले इनके करेंगे गुणनखंड। 2 से 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, ठीक है बच्चों। अब हम कर लेते हैं 192 के 2 से 96, 2 से 48, 2 से 24, फिर 12, फिर 6, फिर 3, और ये हो गया 3, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं 144, 144 के हो गए हैं गुणनखंड 2 की घात 4 और 3 की घात 2, 192 के हो गए हैं गुणनखंड 2 की घात 6 और 3, ठीक है बच्चों। HCF में क्या लेते हैं, HCF में जो जैसे 2 और 2 की घात 6, इनमें जो कॉमन है 2 की घात जो 4 है वो दोनों में होगी, साथ ही 3 की घात 2, 3 की घात 1 में से लेंगे 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया 48, HCF हो गया 48, ठीक है बच्चों। LCM में क्या लेते हैं, LCM में लेते हैं सब कुछ, या अधिकतम घात देख लो, 2 की घात 6 और 3 की घात 2, ठीक है बच्चों। इनका मल्टीप्लाई करते तो ये हो गया 576, LCM आपका आ गया 576, कितना आ गया 576, ठीक है। ये जो प्रश्न था ये आया था 2018 की सप्लीमेंट्री में। अगला प्रश्न है, परमेय संख्या 83 बटे 2 की घात 2 5 की घात 3 का दशमलव प्रसार लिखिए। ये भी प्रश्न आया है 2018 की सप्लीमेंट्री में, ठीक है। तो देखिए ये है 83, 2 की घात 2 और 5 की घात 3, दशमलव प्रसार करना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, इधर ऊपर भी कर दें और इधर भी कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 166 और 2 की घात 3 और 5 की घात 3, ठीक है। ये हो गया 2 की घात 3, 5 की घात 3 का मतलब हो गया 10 की घात 3, ठीक है बच्चों। ये हो गया 1000, सीधा सीधा बिना भाग दिए 1603013, दशमलव लग गया यहाँ, आपका दशमलव प्रसार आ गया 0.166। ये आया था 2018 सप्लीमेंट्री में। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है,
ठीक है बच्चों, ये हमें सिद्ध करना है। और ये आया था आपका, एक सेकंड, ये आया था 2017। ये जो प्रश्न आया है ये आया है 2017 मेन में, सप्लीमेंट्री का प्रश्न नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम विरोधाभास विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, और विरोधाभास विधि में हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो संख्या है यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या है। फिर हम दो संख्याएं लेते हैं ए तथा बी, और दो संख्याएं लेते हैं ए तथा बी, और फिर हम इसको, ये जो संख्या दे रखी है इसको हम बटे के रूप में लिख देते हैं। ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही है। और उसके बाद हम ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ये जो संख्या है यह परिमेय नहीं है। ठीक है, पूरी भाषा मैंने बता दी है। तो हम क्या मान के चल रहे हैं, माना अंडर रूट तीन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मान के चल रहे हैं, माना अंडर रूट तीन एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तब दो संख्याएं सह अभाज्य होती हैं, दो सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य का मतलब है जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए तथा बी इस प्रकार हैं कि, इस प्रकार हैं कि अंडर रूट तीन बराबर होगा ए बटे बी। ठीक है, जहां बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ये देखिएगा, अंडर रूट तीन बराबर है ए बटे बी, हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर तो तीन बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। यहाँ से आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा थ्री बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो तीन है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बटे तीन बराबर है बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज तीन ए स्क्वायर को विभाजित करता है। मतलब क्या हुआ, मतलब हो गया कि ए स्क्वायर में तीन का भाग जाता है। ए स्क्वायर में कितने का भाग जाता है, तीन का। जब ए स्क्वायर में तीन का भाग जाता है तो क्या होगा, तीन जो है वो ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए में भी तीन का भाग जाएगा। ठीक है बच्चों, जब ए तीन को विभाजित करेगा, जब तीन ए को विभाजित करेगा तो हम क्या कर सकते हैं कि ए बराबर लिख सकते हैं तीन सी। कहने का मतलब क्या है कि ए स्क्वायर में तीन का भाग जा रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर ए स्क्वायर में जा रहा है तो ए में भी जाएगा। जब ए में जाएगा तो हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं, देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम ये मान रहे हैं कि ए में तीन का भाग देंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगी। इसका मतलब यही तो हुआ कि तीन जो है ए को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ए में तीन का भाग देंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगी जो कि पूर्णांक होगी। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, ए बराबर हो गया थ्री सी। अब हम करेंगे वर्ग, वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा नौ सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा था कि ए स्क्वायर बराबर क्या था, थ्री बी स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर बराबर हमने लिख दिया थ्री बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया नौ सी, बी स्क्वायर बराबर हो गया थ्री सी स्क्वायर। समझते जाना बच्चों हम क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लेंगे, ये मतलब इससे आप समझिए। देखो अभी हमने क्या सिद्ध किया था कि तीन ए स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब तीन का भाग जाता है ए स्क्वायर में। अभी यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है कि तीन बी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। यही तो निकल के आ रहा है, तीन बी स्क्वायर को विभाजित करता। ठीक है, दिस इम्प्लाइज तीन बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। देखो इस बात को समझना बच्चों, क्योंकि हमने ए और बी दोनों ही संख्याएं सह अभाज्य मानी थी, तो इसमें सिंपल सी बात है कि ए और बी में कोई भी जो गुणनखंड है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ देखिए कि तीन ए को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है, और तीन बी को भी विभाजित कर रहा है, मतलब ए में भी कोई ऐसा गुणनखंड है जिसमें तीन का भाग जाता है और बी में भी ऐसा कोई गुणनखंड है जिसमें तीन का भाग जाता है। जबकि हमने क्या माना था, ए और बी कैसी हैं, सह अभाज्य हैं, तो इस स्थिति में तो ये सह अभाज्य बची नहीं, तो जब ये बची नहीं तो हमारा हो जाएगा विरोधाभास। तो हम लिख देंगे अतः ए तथा बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है। ठीक है, लेकिन लेकिन यह कल्पना, कल्पना क्या करी थी कि
ए बी सह अभाज्य हैं का विरोधाभास है। दिस इंप्लाइज हमारी परिकल्पना कैसी है? गलत गलत है। ठीक है बच्चों, दिस इंप्लाइज अंडर रूट तीन एक अपरमेय संख्या। ठीक है बच्चों, देखिए वापस से समझ लेते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न ये था कि अंडर रूट तीन एक अपरमेय संख्या है, तो हमने क्या किया, हमने इसको एक परमेय संख्या मान लिया। परमेय माना है तो इसको ए बटे बी के रूप में लिखेंगे, और ए बटे बी एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य है मतलब इनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। इसके बाद हमने क्या किया है, हमने यहाँ निकाला है कि तीन ए को विभाजित करता है एक बार, और यहाँ से हमने फिर एक बात निकाली थी कि तीन बी को भी विभाजित करता है। इसका मतलब ए और बी में तीन कम से कम एक कॉमन गुणनखंड है, क्योंकि तीन कॉमन गुणनखंड है तो इसका मतलब ये संख्या अभाज्य सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य नहीं है तो हमारी परिकल्पना गलत है, और परिकल्पना गलत है तो विरोधाभास विधि से ये क्लियर होता है कि अंडर रूट तीन एक अपरमेय संख्या। ये हमको सिद्ध करना था और ये प्रश्न बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, दो पूर्णांक हैं एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ओहो दो पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ था, प्रश्न को चला गया है। इनका एचसीएफ दिया हुआ था, एचसीएफ था आपका 12 और एलसीएम था आपका 36। ठीक है, और एक पूर्णांक था आपका 48। ये प्रश्न जो था वो प्रश्न आया था 2017 बोर्ड में, सॉरी 2017 में। ठीक है, हम सीधा सीधा जानते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी। एचसीएफ आपका 12, ये हो गया 36, ये हो गया 48। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करेंगे, 12 गुणा 36 में भाग दे दें 48 का, दूसरी संख्या आ जाएगी 12 × 24, 12 × 36, 12 × 48, 4 से ये आप काट देंगे 9 बार, दूसरी संख्या आ गई। ठीक है, ये तो प्रश्न सिंपल था। अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि 3 − √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, और ये जो प्रश्न आया हुआ है आपका, एक सेकंड, किस वर्ष आया है ये, आया है 2017 की सप्लीमेंट्री में, ठीक है, 2017 की सप्लीमेंट्री में आया है। तो इसमें भी हम क्या मानेंगे, विरोधाभास विधि। तो हम मानेंगे कि माना ये जो संख्या है एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय है तो भाषा आप जानती हैं, कई प्रश्न करा चुके हैं, तो हम इसको मान लेंगे इस प्रकार से ए बटे बी के रूप में। अब ये जो अपरमेय संख्या है इसको तो एक तरफ रख देना बच्चों, और ये तीन को ले आना इधर। ठीक है, ये अंडर रूट पाँच बराबर हमने ले लिया है लघुत्तम, तो ये हो गया 3b। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, माइनस हटा दें इधर से, तो माइनस और माइनस इधर आएगा तो 3b माइनस ए बटे बी। ठीक, ये कैसी संख्या है, ये तो है एक अपरमेय संख्या, सीधा सीधा आपको दिख रहा है, और ये है एक परमेय संख्या। ठीक है, आप इसी प्रकार से सीधा लिख सकते हैं, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास, दिस इंप्लाइज हम मान सकते हैं 3 − √5 एक अपरमेय संख्या। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आया था 2017 की सप्लीमेंट्री में। अगला प्रश्न है, दो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। ये प्रश्न भी आया है आपको 2017 की सप्लीमेंट्री में, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम। ठीक है, और साथ में आपको ए इंटू बी होता है, एचसीएफ है 12, एलसीएम है 336, एक पूर्णांक है 84, दूसरा आपको निकालना है, आप इधर भाग दे देंगे 84 बराबर बी, 12 से इसको काट देंगे 7 बार और 7 से इसको काट देंगे 48, बी बराबर आ गया 48। ठीक है बच्चों, दूसरा पूर्णांक आपका कितना आ गया, 48। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 6 एक अपरमेय संख्या है। इसमें भी वही विधि अपनानी है जो अभी तक हम करते आए हैं, जिस प्रकार हमने अंडर रूट 3 वाली अपनाई थी वही आप अपनाएंगे। किस प्रकार से मानेंगे, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 6 एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है। ठीक, अब दो सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य ये मोस्ट है लाइन, सह अभाज्य संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार होंगी। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न 2016 में आया है, मीन्स मतलब जो 2016 का बोर्ड का पेपर हुआ है। ठीक है, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है, अंडर रूट 6 बराबर हम लिख देंगे ए बटे बी। ठीक है बच्चों, फिर इनका करेंगे वर्ग, वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। यहाँ से आप स्टेप समझना,
स्टेप सिंपल है, ये मान लिया फिर वर्ग कर दिया, ठीक है। फिर इस 6 को इधर ले आओ, मतलब आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर बटे 6। मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, 6 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आप एक लाइन और भी लिख लेना, क्या लिख लेना आप, 6 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई है। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से वही लाइन समझ में आ रही है कि 6 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है, मतलब 6 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। नए पेज पर लिख देती हूँ, 6 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 6 ए को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ए में 6 का भाग देंगे तो एक संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा 6 सी, वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये बात आपको समझ में आ रही है ना कि ए बटे 6, मतलब ए 6 को विभाजित करेगा, तो ये आ गया ए बटे 6 बराबर हो गया सी, तो ए बराबर हो गया 6 सी, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 36 सी स्क्वायर। इस टाइप से हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ आप देखना, इसको आप इस तरीके से लिख लें, 6 और 6 सी स्क्वायर, ठीक है। ये जो आप 6 सी स्क्वायर है, या एक सेकंड, इसको इस तरीके से ना लिखें, इसको इस तरीके से लिखें, एक सेकंड देखो, यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई ना कि ए हमको ये भी सहवाच्य सिद्ध नहीं करने, सीधी सी बात है, कोई ना कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड सिद्ध करना है हमको। तो ये जो 6 है, ए बराबर हो गया 6 सी, ए स्क्वायर बराबर हो गया 36 सी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, हमने इससे पहले वाले पेज में ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी क्या, इसमें देखो ए स्क्वायर बराबर था 6 बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं, ए स्क्वायर बराबर हम रख देते हैं 6, बी स्क्वायर बराबर है 36 सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर हो गया 6 सी स्क्वायर, ठीक है। देखो एक बात तो हमने ये सिद्ध करी थी कि ए 6 को भी, मतलब 6 ए को विभाजित करता है, अब हम सिद्ध करेंगे कि 6 बी को भी विभाजित करता है, तो बी स्क्वायर बटे 6 बराबर हो गया सी स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज 6 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, करता, दिस इम्प्लाइज जो 6 है वो बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है बच्चों। दो बातें हमारे पास आ गई हैं, क्या क्या आ गई हैं, 6 जो है, एक मिनट, दिस इम्प्लाइज ए तथा बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 है, ठीक है। जबकि हमने क्या माना था, हमने माना था कि ए और बी कैसी हैं, सह अभाज्य हैं, तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारी परिकल्पना का विरोधाभास, ठीक है बच्चों। दिस इम्प्लाइज अंडर रूट 6 एक अपरमेय संख्या है। ये प्रश्न हो गया हल। अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये आया है 2022 के मेन में, ठीक है, 2022 में ये आया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 375 675 का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो 375 के पहले हम करेंगे गुणनखंड, 5 से 5, 7 35, 5 25, 5 से 5 और 25, फिर 5 से 3, फिर 3 से 1, ठीक है। ये तो हो गया 375, फिर है ये 675, ठीक है बच्चों। 675 के भी करेंगे, 5 एकम 5, 5 ती 15, बचे 2, 5 25, फिर 5 से 5 दुनी 10 और 5 7 35, फिर 3 से 3 तक 3 9 27, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, ठीक है। देखो 375 बराबर आ गया था 5 की घात 3 और 3, और 675 बराबर आ गया था 5 की घात 2 और 3 की घात 3। एचसीएफ में हम लेते हैं न्यूनतम घातांक, तो 5 की घात 2, 5 की घात 3 में घातांक 5 की घात 2, और ये 3 घात है और ये 1 घात है, तो इसमें से लेंगे 1 घात। 5 गुणा 5 गुणा 3 पचम 25, और 25 गुणा 3 25 ती 75, ठीक है बच्चों। तो इनका एचसीएफ हो गया 75। ये प्रश्न आया था 2022 में। अगला प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। ये भी कब का प्रश्न है, एक मिनट, ये आया है 2015, ये आया है 2015 में, ठीक है बच्चों, 2015 का प्रश्न है ये। इसमें भी देखो पूरा प्रोसेस मैं बता चुकी हूँ, अंडर रूट 2 को ए बटे बी के रूप में मानेंगे, ठीक है, फिर करेंगे वर्ग, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं, बी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर बटे बी 2, ठीक है। यहाँ से हम क्या सिद्ध करते हैं, यहाँ से हम मानते हैं कि 2 जो है
ए स्क्वायर को विभाजित करता है, फिर हम मानते हैं दो ए को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि दो ए को विभाजित, ए में दो का भाग देंगे तो एक नई संख्या आएगी, ठीक है। फिर यहाँ से हम ए बराबर दो सी करते हैं, फिर इनका कर देते हैं वर्ग, ये हो जाता है चार सी स्क्वायर। फिर समीकरण एक से वैल्यू रख देते हैं, दो बी स्क्वायर बराबर चार सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर हो गया दो सी स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, फिर इसमें बी स्क्वायर में दो का भाग दे देते हैं, तो हम लिख देते हैं कि दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, फिर हम लिखेंगे दो बी को विभाजित करता है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए बी सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि इनमें दो कॉमन है, ठीक है, जो हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है, इसलिए अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। इस तरीके के तीन चार प्रश्न मैं पहले ही हल करा चुकी हूँ। और अगला प्रश्न है आपका, संख्याओं 180 और 72 252 का HCF और LCM ज्ञात करना है। ये जो प्रश्न है ये आया है 2014 में, ठीक है बच्चों। ये दो तीन संख्याएं आपको दे रखी हैं जिनका आपको ज्ञात करना है LCM। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे, 180 के गुणनखंड करेंगे, 180 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से 90, 2 से 45, फिर 5 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। इसी प्रकार 72 के करेंगे 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। फिर हम करेंगे 252 के, ये 5 है, 252 के तो 126, फिर 2 से करेंगे 63, फिर 3 से करेंगे 21, फिर 3 से 7 और फिर 7 से 1, ठीक है बच्चों। देखो अब इनको इस तरीके से हम लिख लेते हैं, 180 को हम लिख लेते हैं 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 5। 72 को हम लिख लेते हैं 2 की घात 3, ये बराबर है गुणा 3 की घात 2, ठीक है। फिर हम 252 को लिख लेते हैं 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 7, ठीक है। HCF में क्या लेते हैं, HCF में लेते हैं कॉमन, मतलब न्यूनतम घातांक, तो दो न्यूनतम है तो 2 की घात 2, ठीक, 3 की घात न्यूनतम है 2, 3 की घात 2। अब 5 इसमें तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें है इन दोनों में नहीं है, तो नहीं आएगा, इनका कर देंगे मल्टीप्लाई तो हमारा ये हो जाएगा 36, ठीक है बच्चों। अगला जो प्रश्न इसी में दिया हुआ है वो आपको निकालना है LCM, LCM में अधिकतम लेते हैं तो इसमें हम लेंगे 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 और 7, LCM में सारी चीज़ें लेंगे, जब हम सब कुछ लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 गुणा 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 20, ठीक है बच्चों, ये हो गया 25 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3/625 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत, ये आपको बताना है। ये भी प्रश्न आया है 2014 में, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3/625 है, 625 के गुणनखंड कर लेते हैं, 625 के इधर मैं गुणनखंड कर लेती हूँ तो ये आ जाएंगे 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, ठीक है। तो ये आ गया 5 की घात 4, क्योंकि ये 5 की घात 4 में है तो 2 की घात 4, 2 की घात 4 का ये कर देते हैं, तो 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे ये हो गया 10 की घात 4, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप लिख लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन संख्याओं का, तो ये हो गया 48 और ये हो गया 1 2 3 4, तो आपको दशमलव प्रसार आ गया ये, ठीक है। ये कैसा है, ये है शांत, शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव रूप भी हमने लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जो 396, 436, 542 को विभाजित करने के पश्चात शेषफल 5, 11, 15 रहता है। ये जो प्रश्न है ये 2013 में आया हुआ है, ठीक है बच्चों। ये जो प्रश्न है ये आया है 2013 में। सबसे पहले प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है ये हम देख लेते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 396, ठीक है, कितना दिया हुआ है 396 में से जब वो करेंगे तो शेषफल रहता है 5, ठीक है, तो ये आपका हो गया 391, यही तो पूर्णांक हुआ जिसमें भाग जाता है। 436 में से शेषफल रहता है 11, तो ये वाली संख्या होगी 425, ठीक है। और 542 में से शेषफल रहता है 15, तो ये वाली संख्या होगी आपकी 527, ठीक है। तो ये जो तीन संख्याएं हैं, इन तीन संख्याओं का हमको निकालना है HCF। इसके संख्या का निकालना है 391, 17 से 23, 23 1, 425, 5 से 85, 5 से 17, 17 से 1, 527, 17, 31, 31 1, ठीक है। कॉमन क्या है, कॉमन है 17, क्या है कॉमन 17, तो इन संख्याओं का HCF होगा 17, ठीक है।
ऐसी जब 17 होगा तो 17 गुणा 23 और ये 17 हो गया, तो सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्या क्या होगी? 17। तीनों संख्याओं का एचसीएफ बराबर 17। ठीक है बच्चों, जो संख्या होगी जिसका भाग दिया जाएगा वो होगी 17। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आया है आपका 2022 में, ये प्रश्न आया है 2022 में, तो आपको ये करने हैं सबसे पहले इनके गुणनखंड। ठीक है बच्चों, गुणनखंड करने के बाद हम इनमें देखेंगे कॉमन संख्या, कॉमन संख्या कौन सी है, और जब कॉमन संख्या मिलेगी तो हम फिर उसका निकाल लेंगे एचसीएफ। जो कॉमन होता है वही तो एचसीएफ होता है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं किसके, 616 के और 32। 32 के 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। ठीक है, 32 बराबर हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 2 की घात 5। ठीक है बच्चों, अब हम कर लेते हैं गुणनखंड किसके, 616 के। 616 के गुणनखंड हम करेंगे तो ये हो गया 3, 0, 8, फिर 2 से करेंगे 15, 4, फिर 2 से करेंगे 7, 7, फिर 7 से करेंगे 11, फिर करेंगे 11 से 1। मतलब 616 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 × 7 × 11। ठीक है, इनमें कॉमन क्या है, 7 इसमें है ऊपर नहीं है, 11 इसमें है ऊपर नहीं है, 2 की घात 3 इसमें कॉमन है, तो आपका HCF होगा 2 की घात 3, मतलब 2 × 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8, आंसर हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, दो संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यह भी जो प्रश्न है ये 2022 में आया है। एक सेकंड, क्योंकि इनका एलसीएम ज्ञात करना है तो हम 72 और 120 को एक साथ भी कर सकते हैं, तो एक साथ करने पर 2 से कर देते हैं 36, 60, 2 से कर देते हैं 18, 30, 2 से कर देते हैं 9, 15, 3 से कर देते हैं 3, 5, 3 से 1, 5 और फिर 5 से। ठीक है, एलसीएम आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 720, इनका एलसीएम हो गया 720। अगला प्रश्न है, निम्न में अपरमेय संख्या है। यह एक प्रश्न 2022 में आया हुआ है, अपरमेय संख्या आपको बतानी है, तो आप जानते हैं अपरमेय संख्या क्या होती है, जो अशांत होती है। ये शांत है, ये पूर्णांक है, ये आवर्ती है और ये शांत है। ठीक है बच्चों, देखो अपरमेय संख्या होती है आपकी, एक सेकेंड, आपकी होती है अशांत अनावर्ती। ठीक है, देखो ये तो पूर्णांक है, ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, ये शांत है, कैसी है, शांत, ये अशांत है लेकिन कैसी है, आवर्ती है, तो आवर्ती है। लेकिन ये जो संख्या है ये है आपकी अशांत अनावर्ती, तो ये जो संख्या है यही आपका होगा आंसर, हमारी अपरमेय संख्या हो जाएगी ये। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कर लिए हैं प्रश्नावली एक में। प्रश्नावली एक में जो भी पिछले वर्षों में प्रश्न आए थे 10 वर्षों में, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं।